नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट अधिकतर। मैं हूं आपके साथ चारू पारेख। आईसीसी इन दिनों पिछले साल के बेस्ट परफॉर्मर्स को अवार्ड दे रही है। आईसीसी अवार्ड्स 2022 का ऐलान हो रहा है। 23 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई और इसी कड़ी में मंगलवार 24 जनवरी को आईसीसी वुमेन्स ओडीआई टीम ऑफ द ईयर का ऐलान भी कर दिया गया है। इस टीम में 50 ओवर्स फॉर्मेट में पिछले साल बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देने वाली टॉप 11 प्लेयर्स को इंक्लूड किया गया है और टी20 की तरह ओडीआई में भी इंडियन प्लेयर्स का दबदबा बरकरार है। आईसीसी ने इस टीम में कुल 3 भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया है। वहीं इस टीम की कैप्टन भी इंडियन है। 3 इंडियन प्लेयर्स के अलावा इस टीम में साउथ अफ्रीका की 3, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की 2-2 और न्यूजीलैंड की 1 खिलाड़ी को जगह मिली है। और जिन इंडियन प्लेयर्स को यहाँ पर जगह मिली है वो है कैप्टन हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और रेणुका सिंह। आईसीसी की इस टीम में भी हरमनप्रीत कौर को कैप्टन बनाया गया है। अब इस टीम में शामिल इंडियन प्लेयर्स की बात करें तो इनमें सबसे खास हैं स्मृति मंधाना, क्योंकि आईसीसी ने अपनी टी20 टीम ऑफ द ईयर में भी मंधाना को चुना था। आईसीसी ने विमेंस वनडे टीम ऑफ द ईयर में इंडिया की वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना को बतौर ओपनर शामिल किया है। आईसीसी की टी20 टीम ऑफ द ईयर में जगह बनाने के बाद ओडीआई टीम में भी शामिल होना स्मृति मंधाना के लिए बेहद खास है। स्मृति मंधाना की बात करें तो वो फिलहाल शानदार फॉर्म में है और लगातार इंडिया के लिए बेहतरीन पारियां खेल रही हैं। सोमवार को ट्राई सीरीज में खेले गए मैच में भी स्मृति मंधाना ने बेहतरीन पारी खेली और इंडिया को जीत दिलाई। वहीं इस टीम में दूसरी इंडियन प्लेयर हैं इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर। इस टीम में भी उनको बतौर कप्तान शामिल किया गया है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में इंडिया ने पिछले कुछ सालों में बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी हैं। हरमनप्रीत कौर की ही कैप्टनसी में इंडिया ने इंग्लैंड को उसके ही घर पर वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप किया था। हरमनप्रीत कौर के वनडे रिकॉर्ड पर नजर डालें तो उन्होंने 124 मैचों में 38.18 की एवरेज और 73.13 की स्ट्राइक रेट से 3,322 रन बनाए हैं। वहीं उनके वनडे करियर का हाईएस्ट स्कोर है 171 नॉट आउट। वहीं अब इस टीम की तीसरे इंडियन प्लेयर की बात करें तो वो है रेणुका सिंह, और ये खिलाड़ी भी बेहद खास हैं। रेणुका सिंह आईसीसी टी20 टीम ऑफ द ईयर का भी हिस्सा थी और अब ओडीआई में भी उन्होंने अपनी जगह बना ली है। बतौर फास्ट बॉलर रेणुका सिंह को इस टीम में शामिल किया गया है। रेणुका ने पिछले साल ही इंडियन टीम में अपना डेब्यू किया और पूरे साल कमाल की बॉलिंग की और अब आईसीसी की ओडीआई टॉप 11 में उन्होंने अपनी जगह बना ली है। रेणुका सिंह ने अपने वनडे करियर में बहुत कम टाइम में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। रेणुका ने साल 2022 में सिर्फ 7 मैचों में कुल 18 विकेट्स अपने नाम किए हैं। उन्होंने सितंबर में इंग्लैंड के खिलाफ भी शानदार बॉलिंग की और जिस तरह से वो फिलहाल इंडिया के लिए बॉलिंग कर रही हैं, इंडिया के लिए आने वाले टाइम में वो एक बड़ा एसेट साबित हो सकती है। तो चलिए अब आईसीसी वुमेन्स ओडीआई टीम ऑफ द ईयर पर नजर डालें तो वो कुछ इस तरह से है। एलिसा हिली ऑस्ट्रेलिया, स्मृति मंधाना इंडिया, लॉरा वॉलवर्ट साउथ अफ्रीका, नेट साइवर इंग्लैंड, बेथ मूनी ऑस्ट्रेलिया, हरमनप्रीत कौर इंडिया, अमेलिया केर न्यूजीलैंड, सोफिया क्लस्टन इंग्लैंड, आया बोंगा खागा साउथ अफ्रीका, रेणुका सिंह इंडिया, शबनीम इस्माइल साउथ अफ्रीका। ये हैं आईसीसी की चुनी हुई टॉप 11 ओडीआई प्लेयर्स ऑफ 2022, जिसमें इंडिया की 3 खिलाड़ियों ने अपनी जगह बनाई है। तो फिलहाल इन तीनों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए क्रिकेट अधिकतर। नमस्कार।